हारिस राव की घातक बाउंसर से घायल हुआ बल्लेबाज, आंख के नीचे से निकला खून। हारिस की बाउंसर बल्लेबाजों को खूब परेशान करती है और ऐसा ही पाकिस्तान नीदरलैंड्स के बीच खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप के 29वें मैच में भी देखने को मिला। यह मैच पर्थ में खेला जा रहा है, जहां पर हारिस की एक सीधा गेंद नीदरलैंड के बल्लेबाज बेस डी लीडे के हेलमेट पर जाकर लगी, जिसके बाद बल्लेबाज की आंख के नीचे से खून निकलने लगा। बल्लेबाज बिल्कुल भी जज नहीं कर सका और गेंद सीधा हेलमेट से जाकर टकराई। बेस डी लीडे दर्द में दिखे। बल्लेबाज को गंभीर चोट लगी थी। हेलमेट से गेंद टकराने के बाद वह जमीन पर बैठ गए थे। इसके बाद फिजियो को मैदान पर बुलाया गया और उन्होंने बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान के बाहर ले जाने की सलाह दी। जब बल्लेबाज ग्राउंड के बाहर जा रहे थे, तब कैमरे में उनके आंख के नीचे लगी चोट कैद हो गई।